Getting information and forecasting the demand is our next chapter. The purpose of collecting information and marketing research is to make prudent decisions and well-informed decisions. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो MIS बनता है दैट कंसिस्ट ऑफ पीपल इक्विपमेंट प्रोसीजर्स टू गैदर सॉर्ट इवेलुएट डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग. सो द बेसिक पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू मेक द इंफॉर्म्ड डिसीजंस. कुछ किताबों में इसको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है और कुछ में मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज सिस्टम कहा जाता है. देर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. पहला है इंटरनल रिकॉर्ड, दूसरा है मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, तीसरा है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड द फोर्थ इज मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे. तो दीज आर फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ MIS एंड द फोकस एंड पर्पस ऑफ MIS इन मार्केटिंग इज सेंस, शेयर एंड रिस्पॉन्ड. दिस इज द कोर पर्पस जिसकी वजह से कंपनीज मार्केट इंटेलिजेंस करती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस करती हैं. सेंस करना कि कस्टमर क्या सोच रहा है, शेयर करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्ड करना कि कंपनी उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहती है. देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस. पैरालिसिस क्या होता है? व्हाट इज पैरालिसिस? पैरालिसिस हो गया कि एक बंदा कमजोर हो गया, उसके जो आसाब है वो काम करना छोड़ गए. तो एक जो डिस्क्लेमर होता है, ये जो खामोश रह के क्लास सुनने वाली बात है ना, ये इनके लिए अकेलों के लिए नहीं, आपके लिए भी है. तो अगर इग्नोर कर दिया गया एक दो दफ़ा तो मेरा ख्याल है इतना ही लेवरेज होता है हमारे मुआशरे में खवातीन का, इससे ज़्यादा नहीं होता. तो आपके लिए भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो इनके लिए. तो एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात होता यह है कि एनालिसिस करते हुए ओवर थिंक किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए ओवर थिंक किया जाता है. सो द डिस्क्लेमर इज कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए और उसके ऊपर एनालिसिस करते हुए ओवर थिंक नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना. क्या एनालिसिस इज कि डोंट ओवर थिंक ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो डाटा सोर्सेज हैं वो है कंपनी से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से डाटा कलेक्ट करते हैं और कंपेटिटर से डाटा कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं. गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में जब डाइवो की एग्जाम्पल की बात की थी, तो जो इम्पैक्ट है ऑफ द गवर्नमेंट वो कितना ज़्यादा हो सकता है उसको हमने एनालाइज करने की कोशिश की थी. तो कंपोनेंट्स में से जैसे हमने कहा कि पांच कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट्स इज इंटरनल रिकॉर्ड्स. कंपनी के जो इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं दैट इज़ वन ऑफ द सोर्स, वन ऑफ द कंपोनेंट जिससे MIS बनता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है. पहला डाटा सोर्स होता है ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल. हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जब ऑर्डर आता है और उसमें ऑर्डर डिलीवर किया जाता है, उसकी पेमेंट आ जाती है, इसको ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल कहा जाता है. उससे रिकॉर्ड मिलता है कस्टमर का. सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपकी जो सेल्स की टीम है वो चूँकि कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही होती है तो वहाँ से इंटरनल रिकॉर्ड्स आपको मिल जाता है. फिर हर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बेस होता है, डाटा वेयर हाउस होता है और डाटा माइनिंग करते हैं. तो दीज आर द इंटरनल रिकॉर्ड्स जिनसे आपका MIS बनता है. द सेकेंड कंपोनेंट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस. मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज दैट मैनेजर्स यूज टू ऑब्टेन एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट एंड द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट में
ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पेक्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद जो राइट टू टैक्स है वो सूबों के पास भी है कि कोई भी सूबा टैक्स लगा सकता है। अब हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारे जो मरूजी हालात हैं इनमें कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, इसको आप ऐसे एनालाइज करें कि पंजाब के अंदर जो PRA है, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी, उसने बिजनेसेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर 17% टैक्स लगा दिया कि आप 100 रुपए की सेल के ऊपर 17 रुपए हमें दोगे। और बिजनेस का जो ट्रेडिंग है जितनी लाहौर के अंदर जो होलसेल की मार्केट्स हैं वो कितने परसेंट पे ऑपरेट करती हैं, एनी आइडिया कितने परसेंट प्रॉफिट होता है उनका? 10-15% नहीं भाई, होलसेल की मार्केट 1-2% पे। एक बंदा जो 100 रुपए में से 2 रुपए कमाता है, रियासत कह रही 17 रुपए मुझे, तो वो कैसे देगा? तो दिस इज समथिंग कि जो आपने नहीं करने, कस्टमर को ये नहीं कहना कि एक प्रोडक्ट जिसमें वो 2 रुपए आपको पे कर सकता है आप उससे 17 रुपए मांगो। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसका इम्पैक्ट आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर पड़ना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपकी डिसीजन मेकिंग भी चेंज होनी चाहिए। MIS के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, जैसे कुछ इंडिपेंडेंट रिव्यू फोरम्स हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाने से पहले गूगल करते हैं कि इसके बारे में रिव्यूज़ क्या हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो दिस इज़ के इंडिपेंडेंटली कुछ लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या कहा हुआ है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो सेल्स का एजेंट का आपका फीडबैक का साइट्स हैं, उससे आप डाटा कलेक्ट करते हो। फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं उन लोगों से जो कि मार्केटिंग के फील्ड से हैं, और फिर कुछ पब्लिक ब्लॉग्स के बारे में आप देखते हो कि जो पब्लिक ब्लॉग्स हैं इनके बारे में क्या कहा जा रहा है कंपनी के बारे में। जैसे कुछ अर्सा पहले कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सब कैंपसेस खोले थे लाहौर में, सरगोधा यूनिवर्सिटी का खोला था, BZU का खोला था, तो उनके कुछ मसाइल थे, तो उन स्टूडेंट्स ने जाके पब्लिक फोरम्स के ऊपर अपने मसाइल लिखना शुरू कर दिए, और फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, सरगोधा यूनिवर्सिटी और BZU, उन्होंने इंटरवीन करके वो अपने कैंपसेस यहाँ से बंद कर दिए। तो जो पब्लिक ब्लॉग्स हैं इनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। जो कम्युनिकेटिंग एंड एक्टिंग ऑन द मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, दैट इज़ द फंक्शन जिसमें आप जो कंपेटिटिव इंटेलिजेंस फंक्शन है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हो कि आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है। देखिए इंटेलिजेंस का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने उसको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इनबिल्ट नहीं करना। तो इंटेलिजेंस का बुनियादी मकसद क्या होता है कि वंस यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। मसलन आप 18th अमेंडमेंट शायद 2008-09 में आई थी, अब तक हमारी रियासत को ये नहीं पता चला कि ये जो 17% हमने सूबों को अलाउ कर दिया है टैक्स लगाना, ये वर्केबल नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन है ऑफ द फीडबैक जो इन्वायरमेंट में है उसका इम्पैक्ट आना चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में यू एनालाइज द मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, उसमें व्हाट यू एनालाइज के मार्केट के अंदर नीड्स और ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर व्हाट आर द मेजर फोर्सेस जो कि डिटरमिन कर सकती हैं। और मेजर फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? डेमोग्राफिक्स, नेचुरल, पोलिटिको लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल। ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये तमाम फोर्सेस हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग और सर्विस ऑफरिंग के ऊपर। डेमोग्राफिक्स की क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट इज डेमोग्राफिक्स? डेमोग्राफिक्स इज द डिवीजन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम लेवल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। क्या आप अपनी टोटल पॉपुलेशन को इन फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड करके मुख्तलिफ सेगमेंट बना देते हो, दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक्स। तो मार्केट के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं, जैसे शायद हमने पहली क्लास में बात की थी
कि नोकिया के फेलियर की क्या वजह थी, दैट वाज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपने पूछा था ना मार्केटिंग करती है कुछ नहीं करती, तो अगर नोकिया मार्केटिंग करता भी था तो जो सक्सेस फैक्टर था वो चेंज हो गया और वो मार्केट में था, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो सम टाइम वही ना कि चेंज नहीं किया तो फेल हो गए, इंटरनल नहीं हुआ। इंटरनल देखिए फैक्टर तो बाहर का है ना, नोकिया ने तो एंड्रॉयड नहीं बनाया था, एंड्रॉयड तो किसी और ने बनाया था। स्मार्टफोन के ऊपर जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है तो नोकिया ने तो नहीं बनाई थी, अगर नोकिया ने बनाई होती और ना अडॉप्ट करते फिर इंटरनल था। इस केस में द चेंज वॉज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर था और उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। देन देयर इज अ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जैसे मैंने उसको डिफाइन किया कि जब आप अपनी टोटल जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ के सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एथनिक मिक्स क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है और हाउस होल्ड के पैटर्न्स क्या हैं, दीज आर द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी मार्केट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट ऑफर के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग के ऊपर। देन जब मार्केट इंटेलिजेंस आपने करनी है तो आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी देखना है। फर्स्ट जो एलिमेंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, दैट इज कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर साइकोलॉजी की हमने पहले सेशन में भी बात की कि कस्टमर को बार बार याद कराना पड़ता है अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इनकम डेट और क्रेडिट रेशियो, तो दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मार्केट इंटेलिजेंस में कलेक्ट करने चाहिए और इनको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देन देयर इज अ सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है कि हम अपने इर्द गिर्द मुआशरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट का भी मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि जिस मुआशरे के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं उस मुआशरे की क्या नॉर्म्स हैं। मतलब जैसे नेस्ले पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, अपनी तमाम प्रोडक्ट लाइन्स नेस्ले ने पाकिस्तान में ऑफर नहीं कर रखी, क्यों? उन प्रोडक्ट की पाकिस्तान के अंदर सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से इजाज़त नहीं है। जैसे वो वाइन बेचते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं बेचते। जैसे मैकडोनल्ड है, इसका जो बीफ वाले बर्गर्स हैं वो इंडिया में नहीं बिकते, उन्होंने प्रोडक्ट लाइन ही वहाँ नहीं छोड़ी। तो वजह क्या है कि ऐसे सोशो कल्चरल फैक्टर्स जिनका आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी आपने अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंस से गैदर करने होते हैं। जब भी आप किसी भी मुआशरे को सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के ऊपर एनालाइज कर रहे होंगे तो आपने उस मुआशरे की कोर बिलीव्स देखनी है। कोर बिलीव्स कैसे आती हैं? कोर बिलीव्स आर जो हम अपने रिलीजन से, अपनी एजुकेशन से, अपने बिजनेसेस से और अपनी गवर्नमेंट से सीखते हैं। अपने घर से हमने क्या सीखा, हमारे मुआशरे से हमने क्या सीखा, दीज आर कोर बिलीव्स। देन देयर आर सेकेंडरी बिलीव्स, ऐसी बिलीव्स जो कि सब्जेक्ट टू चेंज हैं। कुछ ऐसी हमारी बिलीव्स होती हैं जो कि तब्दील नहीं होती, लेकिन कुछ मुआशरे की सेकेंडरी बिलीव्स होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं। कौन सी हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी बिलीव्स हैं जो कि आपके ख्याल में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुई? कुछ है ऐसा? नहीं, मोबाइल तो एक कंजम्पशन पैटर्न है। हमारी बिलीव्स, हमारी वैल्यू चेंज हो गई, ऐसा कुछ हुआ है हमारे मुआशरे में 10-15-20 सालों में? एक तो बिल्कुल ये सही है पार्शली कि जो 90 की दिहाई तक तो होता यह था कि एक बड़ा ही लिमिटेड सेगमेंट है जो पॉलिटिक्स डिस्कस करता है, बाकी लोग पॉलिटिक्स डिस्कस ही नहीं करते। अब
अक्रॉस द सोसाइटी हर बंदा पॉलिटिक्स पे बात करता है. तो दिस वाज वैल्यू सिस्टम जो कि इवॉल्व हुआ. दूसरा, हमारे माशरे में जो वैल्यू सिस्टम के अंदर इवॉल्व हुआ, जो चेंज आया, दैट इज इंक्लूसिवनेस ऑफ द जेंडर. आज से 15-20 साल पहले हमारे माशरे में फीमेल जेंडर की इतनी इंक्लूसिवनेस नहीं थी. हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेट सोसाइटी थी. तो मार्केट इंटेलिजेंस में इस चीज़ को भी आपने देखना है कि उस माशरे की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, और कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं हो सकती. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, एक मुस्लिम कंट्री में, कभी भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी कि हलाल और हराम की डिफ्रेंसिएशन रखनी है. बात करते हैं यार, तो ये डिफ्रेंसिएशन हमेशा कायम रहेगी कि हलाल और हराम की डिफ्रेंसिएशन फ़र्क है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन जैसे कि फीमेल वर्क फोर्स की जो पार्टिसिपेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बढ़ना शुरू हो गई. और सोशल साइंटिस्ट कुछ ये कहते हैं कि इस तरह की जो चेंजेस होती हैं ये इरिवर्सिबल होती हैं, ये वापस नहीं होंगी, ये इससे ज़्यादा आगे से आगे जाएंगे. तो जिस मुआशरे में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें आपने कोर वैल्यूज़ को भी देखना है और सेकेंडरी बिलीव को भी देखना है जो कि सब्जेक्ट टू द चेंज है. जी, दिस इज मतलब आया टेक्नोलॉजी की वजह से है, लेकिन एक और ऐसा चेंज आया है जो कि हमारे माशरे में अब तकरीबन जो यंग जनरेशन है, जो टीन एजर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 90% उनका कंजम्पशन पैटर्न है कि वो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं. देन जब भी आप माशरे को एनालाइज करते हैं तो हर माशरे के अंदर कुछ सब कल्चर्स होते हैं, कि हर सोसाइटी कंटेन्स अ ग्रुप विद शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, प्रेफरेंसेस और उनके बिहेवियर जो कि उनके हालात की वजह से या लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से इमर्ज होते हैं. दीज कॉल्ड सब कल्चर. मतलब पाकिस्तान में जैसे बहुत प्रोमिनेंट चार सब कल्चर हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, पठान हैं. तो दीज आर सब कल्चर की एक पूरी बड़ी डिवाइड में, और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी डिफरेंट है, इनकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, इनका कपड़े पहनने का स्टाइल डिफरेंट है. तो मार्केट इंटेलिजेंस में आपने उस माशरे के अंदर अगर कोई सब कल्चर हैं उनको भी टेकन इनटू अकाउंट करना है. देन देयर इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट, सीपैक के पाकिस्तान में आने की एक बुनियादी वजह इज द नेचुरल एनवायरनमेंट. वजह के इंडस्ट्रियल जो आउटपुट थी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फैसिलिटी थी चाइना की, यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि या तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे ले जाओ फॉसिल फॉयल से हटा के, या फिर हम चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन कर देंगे. तो अब ड्यू टू अ नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज, चाइना के लिए कंपल्शन थी कि अपनी इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करे दूसरे मुल्कों के अंदर, दूसरे कंट्रीज के अंदर. तो उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और अफ्रीका के अंदर और कुछ इंडिया के अंदर भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट किया. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से इमर्ज होके आते हैं, जिनको आपने अपनी मार्केटिंग इंटेलिजेंस में टेकन इनटू अकाउंट करना होता है. देन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. जैसे आपने कहा टिकटॉक, तो टिकटॉक इज़ अ एक टेक्नोलॉजी की वजह से एक माशरे के पैटर्न्स के अंदर तब्दीली आ गई. अब जो PR फर्म्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, वो टिकटॉक के स्टार्स को एज ए सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हायर करती हैं, कि हमने किसी कंपनी के लॉन्च के ऊपर किसी भी सेलिब्रिटी को बुला रखा है. तो दीज आर कि वो टिकटॉक से इमर्ज हो गया है. अब एक नया ट्रेंड है कि किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्च हो रही है और वहाँ पे एज ए फैक्ट जो सेलिब्रिटी है इंडोर्समेंट के लिए, उस ब्रांड की प्रमोशन के लिए, वो एक टिकटॉक करें. अब इसकी डार्क साइड भी है कि ज़ाहिर है जो टिकटॉक की वो सेलिब्रिटी होगी, उसको जो फॉलो करने वाले होंगे, उनका एक स्पेसिफिक विजन होता है. देखिए, जो कंटेंट आपको वहाँ पे मिल रहा है, आप उस बंदे को उसी हिसाब से देखेंगे ना. जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ वो क्यों हुआ, कि वो जो क्या नाम था उसका, आयशा अकरम, आयशा, उसके जो फॉलोअर्स थे वो उस कंटेंट की वजह से उसके फॉलोअर थे ना.
तारिक जमील के भी तो फॉलोअर्स हैं, अगर तारिक जमील कभी मीदार पाकिस्तान पे आता है तो उसके फॉलोअर्स उस तरह जाएंगे। सो द टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं वो भी आपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस में अपने एनालिसिस का हिस्सा बनानी होती है। देन देयर इज अ पॉलिटिको लीगल इन्वायरमेंट के जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो बने हुए कि सब्सिडी चाहिए हमें, जो चीनी बनाते हैं वो कहते हैं हमें सब्सिडी चाहिए, जो खाद बनाते हैं हमें सब्सिडी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट में हैं उन्हीं के बिजनेसेस हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब एक बंदा जो कि शुगर की मिल लगाता है और उसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, वो डिसएडवांटेज में चला गया, क्योंकि उस बंदे के मुकाबले में जरदारी साहब हैं या जहांगीर तरीन है या खुसरो बख्तियार हैं जो कि पावर में है, जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी आपने देखना है कि जिस बिजनेस के अंदर आप ऑपरेट करने जा रहे हैं। इसमें हमारी वो एग्जाम्पल भी रेलिवेंट हो सकती है जो कि अपने डाइवो के केस में ली थी, कि लीगली आपने अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपकी मार्केट इंटेलिजेंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। चार इसके हमने कंपोनेंट्स देखे जिनकी वजह से किसी भी कंपनी का जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है वो फॉर्म होता है। इंटरनल रिकॉर्ड्स के कंपनी का अंदर उसके पास जो भी डाटा है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम और डिसीजन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इनको मिला के, और मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ किसी भी कंपनी का जो MIS या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सिस्टम बनता है, इन सबको मिला के वो बनता है। देन द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर इज कि आपने डिमांड को कैसे फोरकास्ट करना है। आपने जो टोटल मार्केट का पोटेंशियल है, देन देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मार्केट डिमांड जिसको आपने मेजर करना होता है। वन इज पोटेंशियल मार्केट, इज द सेट ऑफ कंज्यूमर विद अ सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन अ मार्केट ऑफर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल मार्केट। देन देयर इज अ अवेलेबल मार्केट, ये वो वाले कस्टमर होते हैं जो कि इंटरेस्ट भी रखते हैं, इनकम भी है इनकी, और दे हैव द एक्सेस टू योर ऑफर। पोटेंशियल कस्टमर कौन सा हुआ, पोटेंशियल मार्केट कौन सी हुई, जिनके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट है और मार्केट ऑफर आपकी पहुंच गई। और अवेलेबल मार्केट कौन सी हुई, जिनके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट भी है, इनकम भी है और एक्सेस टू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी है। टारगेट मार्केट इज द पार्ट ऑफ द क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट जिसको कंपनी डिसाइड करती है कि हमने परस्यू करना है। और पेनिट्रेटेड मार्केट इज द सेट ऑफ कंज्यूमर जो कि कंपनी की प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। दीज आर फोर डेफिनेशंस, पोटेंशियल मार्केट, अवेलेबल मार्केट, टारगेट मार्केट और पेनिट्रेटेड मार्केट। Forecasting is the art of anticipating what buyers are likely to do under a given set of conditions. Forecasting में आप anticipate करते हो कि आपकी कितनी जो sales हैं वो होंगी। Then there is a market demand. Market demand for a product is the total volume that would be bought by a defined customer group in defined geographical area in a defined period with a defined marketing program. This is called market demand. These are definitions. Isme kuch explain karne wala nahi hai, to just bear with me. Then there is a market forecast. Only one level of industry marketing expenditure will actually occur. The market demand correspond with this is called market forecast. कि आप कितनी मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर करोगे और उसके बदले में कितनी सेल्स होगी, दिस इज योर मार्केट फोरकास्ट। देन देयर इज अ मार्केट पोटेंशियल, इज द लिमिट अप्रोच बाय अ मार्केट डिमांड एज इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच इनडेफिनेटली फॉर अ गिवन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। किसी भी मार्केट के अंदर कितनी मैक्सिमम डिमांड जनरेट की जा सकती है
विद अ गिवन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड मार्केट पोटेंशियल, कि उस मार्केट के अंदर कितनी सेल्स का पोटेंशियल मौजूद है, दिस इज कॉल्ड मार्केट पोटेंशियल. देन देयर इज अ प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ ओनरशिप और यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन द पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन में आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करने वाले लोगों की परसेंटेज क्या है, दिस इज प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज, कि टोटल टारगेट मार्केट या टोटल पॉपुलेशन में से आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद कितनी है.